हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से मिल रही है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गोदरी चौक के अंतर्गत जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। ये खबर बालाघाट से है, जहां बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गोदरी चौक के अंतर्गत जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। मामला है क्या है? आज हमारे यहाँ गोदरी चौकी से और अन्य तीन चौकियों से जो प्रोग्राम निकला था सर्चिंग के लिए नक्सल क्षेत्र में, तो जंगल क्षेत्र में सर्चिंग करने के दौरान नक्सलियों के ग्रुप से सामना सामना हुआ और गोदरी पार्टी जो हमारा था उसके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। वहाँ से नक्सलियों के दलम ने गोलियाँ चले, ऐसा अभी हम लोग भी मौके पर गए थे और हमारी जो बाकी टीम थी वो भी लगातार वहाँ पर सर्चिंग कर रही थी। हमारे एक साथी को गोली लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, इस कारण से और भी हम लोगों ने चार पार्टियां और जंगल क्षेत्र में डाली हैं। जो साथी है जिसको गोली लगी है वो अभी सुरक्षित है और उनको अस्पताल में। किस जगह पे गोली लगी उनकी? उनके मैंने अभी सामने से तो देखा नहीं, पर तब तक वो उनको